हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा इजी निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, फ्रॉक, शॉल, कैप, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 16 रोज़ का डिज़ाइन है। इन्हीं 16 रोज़ आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 16 प्लस 2। इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें मैंने 6 मल्टीपल करके 12 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 14 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 1 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 2 4, फिर 1 फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। हर रंग साइड आपको उल्टा ही बुनना है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की 1 फंदा को आगे करना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे कीजिए, बीच में 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, फिर इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे के फंदा को पीछे करना है और पीछे के फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। 2 फंदा को ट्विस्ट किया, बीच में 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट किया। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है। अब इस 2 फंदा को फिर सीधा बुनना है, 1 2, धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, 1 फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। और फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर से इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे कीजिए, 1 फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट किया, 1 फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है।
यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो, सिक्स रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप सेवन रो, सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, आपको रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो, एट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप नाइन रो, नाइन रो रो सेवन के जैसा ही बुनना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा उल्टा, आपको रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप टेन रो, टेन रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा उल्टा, दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, एक फंदा उल्टा, आपको ये रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर दो फंदा सीधा,
एक दो, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का एक फंदा सीधा, 11 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 12 रो, 12 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 13 रो, 13 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की एक फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, बीच में दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे, आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नेम लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, दो फंदा को ट्विस्ट किया, बीच में दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस दो फंदा को फिर सीधा बुनना है, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, बीच में दो फंदा उल्टा, दो, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, 13 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो, 14 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 15 रो, 15 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, 15 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 16 रो, 16 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ये डिजाइन जो 16 रोज का है, इन्हीं 16 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो 16 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।